कोलकाता में आज पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली, ब्रिगेड मैदान में लाखों लोगों के जुटने की संभावना। पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी रैली में आने की अटकलें तेज हैं। देर रात कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती को किया रिसीव, आज पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 57 उम्मीदवारों की लिस्ट, बीजेपी ने पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम से बीजेपी के शिवेंदु अधिकारी को बनाया उम्मीदवार, नंदीग्राम से शिवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच होगी जंग। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में भरी हुंकार, जी मीडिया से कहा नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार तय, 50,000 से ज्यादा वोटों से हारेंगी ममता बनर्जी। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु और पिता शिशिर अधिकारी। दिवेंदु ने ममता बनर्जी पर तानाशाह होने का आरोप लगाया है। 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, 10 मार्च को नंदीग्राम विधानसभा सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। आज सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में पदयात्रा करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ममता की पदयात्रा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज हावड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, रैली में हजारों की संख्या में भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, कांग्रेस ने 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। असम के बराक वैली में कांग्रेस और AIUDF के बीच सीट शेयरिंग की पर भड़के कांग्रेस के कार्यकर्ता, पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की गई। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, 40 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस ने जारी की। आज पूरा देश मना रहा है जन औषधि दिवस, पीएम मोदी सुबह 10 बजे लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे लॉन्च, कन्याकुमारी में सुचिंद्रम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ेगी कमल हसन की पार्टी, आज कमल हसन प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रह रहे 155 रोहिंग्याओं की हुई पहचान, सभी को पुलिस ने हीरानगर के होल्डिंग सेंटर में भेजा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में भारतीय सेना ने दिव्यांग छात्र को इलेक्ट्रिकल स्कूटी दी, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से दिव्यांग हो गया था छात्र। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खाई में गिरी कार, सेना के जवानों ने कार में सवार 3 लोगों को बचाया। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा सरकार किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार है। कृषि कानून पर बोले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कहा कि एक भी किसान की जमीन गई तो दे दूंगा इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों की महापंचायत, कांग्रेस की ओर से महापंचायत बुलाई गई, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। राजस्थान के सुजानगढ़ में आज RLP के किसान आक्रोश रैली, हनुमान बेनीवाल समेत RLP के 3 विधायक रहेंगे मौजूद। नकली किसानों ने झड़ौदा कला गांव के असली किसानों को धमकी दी, असली किसानों ने नकली किसानों से टिकरी बॉर्डर को खाली कराने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,187 नए मरीज आए सामने, जबकि 47 लोगों की हुई मौत। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,188 नए मरीज सामने आए, जबकि 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। यूपी के मेरठ में बेटे ने पिता को मारी गोली, पिता की हालत गंभीर, घर में पिछले कई दिनों से चल रहा था विवाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छात्र ने टीचर को गोली मार दी, शिक्षक की हालत गंभीर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र फरार हो गया। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे का हथियार मध्य प्रदेश के भिंड से बरामद हुआ है, तस्कर के पास से पुलिस ने बरामद किए 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मां नर्मदा की महाआरती का हिस्सा बने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल और सीएम शिवराज समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। जबलपुर में दिखा सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग अंदाज, नर्मदा टी स्टॉल पहुंचकर ली चाय की चुस्किया, स्ट्रीट वेंडर योजना के लाभार्थी के यहां भी चाय पी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बीजेपी नेता अनिल पांडे का अजीबोगरीब बयान, शिवराज सिंह के जन्मदिन पर शराब बनाकर बेचने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फांसी के फंदे पर झूलता मिला बाप बेटे का शव, घर के अंदर 2 महिलाओं की अधजली लाश भी मिली। 4 शव मिलने के बाद दुर्ग में फैली सनसनी, डॉग स्पॉट और फॉरेंसिक की टीम के साथ आला अधिकारी जांच के लिए पहुंचे घटनास्थल पर। भोपाल में पुलिस ने हुक्का बार को छापा मारकर किया सील, धारा 144 लगने के बाद भी चल रहा था हुक्का बार। छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने कसी चिटफंड कंपनियों पर नकेल, 31 कंपनियों की 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। 14 मार्च को ग्वालियर से दिल्ली के लिए गोडसे यात्रा निकालेगी हिंदू महासभा, प्रशासन ने नहीं दी यात्रा की अनुमति। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गायब हुई कोरोना की वैक्सीन, जिला भंडार से मिली गायब हुई वैक्सीन।
झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त हुई नीतीश सरकार। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बड़ा ऐलान किया, कहा शराबबंदी से लोगों के घरों में आई खुशी। पटना में इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड में आया नया मोड़, पत्नी ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। झारखंड के गुमला में बेकाबू कार पलट गई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ की रेप पीड़िता की जयपुर के एसएमसी अस्पताल में मौत, आरोपियों ने पीड़िता को पेट्रोल डालकर जला दिया था जिंदा। जयपुर में एसीबी ने जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ओएसडी को 4 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ लिया। पारस ट्रेवल्स के मालिक नरेश सिंघल समेत 3 भी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवा में समारोह में हर्ष फायरिंग हुई, गोली लगने से 13 साल के बच्चे की मौत हुई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सिंचाई का पानी नहीं मिलने से फूटा किसानों का गुस्सा, किसानों ने आधा दर्जन अधिकारियों को बंधक बना लिया। जयपुर में दादागिरी दिखा रहे हॉस्टल के युवकों की दुकानदारों ने की धुनाई, कई दिनों से दुकानदारों को धमका रहे थे युवा। राजस्थान के दौसा में जयपुर आगरा हाईवे पर बुलेट सवार स्टंट करने का वीडियो सामने आया, जान हथेली पर रखकर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। स्विट्जरलैंड में बुर्के पर बैन को लेकर आज रेफरेंडम, यूरोपीय देश नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और डेनमार्क में बुर्का पर पहले ही लग चुका है बैन। नेपाल के कार्यकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज करेंगे अपना बहुमत साबित, विरोधी दल के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी कसी कमर।